बीजेपी विधायक के विवादित बोल पर ओवैसी ने भी पलटवार किया। क्या पीएम मोदी राजा के बयान का समर्थन करते हैं, ये पूछा है ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से। सिर तन से जुदा के नारे गलत हैं। हालांकि जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी इस पूरे विवाद के बाद से, उसका समर्थन नहीं किया ओवैसी ने, लेकिन ये भी कह दिया कि क्या प्रधानमंत्री राजा के बयान का समर्थन करते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी मुस्लिमों से नफरत करती है, तो इस तरह का तंज करते हुए एक सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछ लिया है ओवैसी ने। ओवैसी ये कहते हैं कि क्या पीएम राजा के इस बयान का समर्थन करते हैं। बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने बीजेपी पर मुस्लिमों से नफरत करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने सिर तन से जुदा के नारे को गलत ठहराया। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए? ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? तो ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से मुसलमानों को भड़काने की एक पूरी प्लानिंग है जो बीजेपी कर रही है, ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। साथ ही ये भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री अब इस पर कुछ कहेंगे, क्या वो समर्थन करते हैं, और साथ ही ये भी कह दिया कि बीजेपी मुस्लिमों से नफरत करती है। हालांकि इस तरह की बात ओवैसी पहले भी कह चुके हैं। प्रसाद भोसेकर मेरे सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद, दो जानकारी, एक तो पार्टी से निलंबित कर दिया गया है राजा सिंह को 10 दिन में, कारण बताओ नोटिस, और दूसरा ये जानना चाहते हैं आपसे क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है? पायोधी, दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि अभी पुराने शहर में स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण है, लेकिन विरोध प्रदर्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई संगीन धाराओं में जो है उनको अपने हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल अगर हैदराबाद के पुराने शहर में ज़रूर थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद या फिर ग्रेटर हैदराबाद का जो क्षेत्र है, शांतिपूर्ण माहौल ज़रूर है और सिचुएशन कंट्रोल में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद आपका इस सारी जानकारी के लिए, और डिटेल वहां से आपसे हम लेते ही रहेंगे। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की, इसके बाद हैदराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए, सिर तन से जुदा होने के नारे भी लगाने लगे। मामला बढ़ता देख राजा सिंह ने सफाई भी दे दी। फिलहाल पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में ले रखा है। बीजेपी विधायक के विवादित बोल,
पैगंबर पर विवादित टिप्पणी। विधायक राजा सिंह के विरोध में प्रदर्शन। हैदराबाद में सिर तन से जुदा के नारे। पहले नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ बयान देकर देश की सियासत में हलचल मचा दिया था और अब एक और नेता ने विवादित बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेलंगाना के गोशामहल से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की है। राजा सिंह पर आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। मामला बढ़ा तो हैदराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान भीड़ ने सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। वही मामला बढ़ता देख पुलिस ने राजा सिंह को उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया। वहीं बीजेपी विधायक राजा सिंह ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी के भगवान का नाम नहीं लिया। जाहिर है इस मामले पर अब एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए।